खबर बीच आ रही है, आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 126 वोट पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हो गई है। ये बड़ी खबर एमसीडी चुनाव के लिहाज से, जिसमें अब साफ तौर पर आम आदमी पार्टी एमसीडी में काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का ही मेयर आएगा और जो दावे आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे थे, उन पर अब दरअसल मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। 126 वोट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। ये तमाम नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को यहां पर स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। 250 वार्ड्स में से 126 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी की जीत, और इसी के साथ आम आदमी पार्टी अब एमसीडी पर काबिज होगी 15 साल बाद। ये बड़ा फेरबदल, जनता का जो चुनाव था वो आम आदमी पार्टी के हक में था, जिसमें उन्होंने बीजेपी को नकार दिया है, आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर लिया है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जनता का बेटा अरविंद केजरीवाल, जो कि सीएम है दिल्ली के, वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, वो दरअसल अब काम करता हुआ दिख रहा है। साथ ही जिस तरीके से शिक्षा और मेडिकल सुविधाओं के चलते अब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के हक में वोट किया है, तो जीत का जश्न लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी हो रहा है और तमाम उन वार्ड्स पर दिखाई दे रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। 126 ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के रंग इस समय दिखाई दे रहे हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त सीएम आवास के बाहर से जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, देखिए थोड़ी देर बाद ये जो जीत का रथ है और इस जीत के रथ के जो चालक हैं सीएम केजरीवाल, वो दरअसल आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन जो रास्ता होगा वो दरअसल इस बार इस पूरी बात को बयां करेगा कि कैसे आम आदमी पार्टी ने जो तमाम दावे किए, जो तमाम वादे किए, वो दरअसल उनके लिए काम कर गए। बिल्कुल निश्चित रूप से, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल का कैवलकेड अब तैयार हो रहा है। देखिए पूरी मूवमेंट कमोशन अरविंद केजरीवाल के घर पे शुरू हो चुकी है और यहां से आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, संजय सिंह, चारों लोग यहां से निकलेंगे और आपके राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचेंगे। तो अब जो मूवमेंट आप देख रही है वो इसी वजह से है कि आम आदमी पार्टी ने मेजॉरिटी के मैजिकल मार्क को टच कर लिया है, यानी कि अब यह तय हो गया है कि सिविक सेंटर पे आम आदमी पार्टी का ही झंडा फहरेगा। वहां पे जो बीजेपी का परचम 15 सालों से लहर रहा था वो अब खत्म होता है, बीजेपी का राज यहां से खत्म होता है और आम आदमी पार्टी के लिए एक नई शुरुआत दिल्ली में शुरू होगी, जहां पे वो डबल इंजन के लिए वोट मांग रहे थे। वो कह रहे थे केजरीवाल की सरकार है तो केजरीवाल का पार्षद चुना जाए, वो कहीं ना कहीं सपना पार्शली आम आदमी पार्टी का सफल हो गया है। पार्शली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें आएंगी, बीजेपी बुरी तरह से इस चुनाव को हारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी अभी भी 100 के आंकड़े पर कहीं ना कहीं अपना मोमेंटम मेंटेन करके चल रही है और ऐसा लग रहा है कि 100 का आंकड़ा, 100 के नीचे वो नहीं जाएंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें आने वाले समय में सदन चलाने में हो सकती है। मेयर का चुनाव एक बहुत ही अहम पल होगा।